أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته English Grade 3 Grammar and Language Skills Syllables Syllables क्या होते हैं Words के ऐसे छोटे मजमूए को जिसमें one vowel sound और एक या एक से ज़्यादा consonant मौजूद होते हैं ऐसे यूनिट को हम सिलेबल का नाम देते हैं वी से वर्ड्स इन वन और मोर सेपरेट पार्ट्स ईच पार्ट इज कॉल्ड सिलेबल जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करके प्रोनाउंस करते हैं और उसका हर पार्ट क्या कहलाता है सिलेबल कहलाता है जिस एक पार्ट सॉरी एक वर्ड में जितने पार्ट्स होंगे वो उसके उतने ही सिलेबल बनाएगा वन सिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं ऐसा वर्ड जिसमें वन वोवल साउंड होगी वो वन पार्ट होगा यानी वन सिलेबल होगा इसी तरह जिस वर्ड में एक से ज्यादा यानी दो वोवल साउंड मौजूद होंगी उसके टू सिलेबल्स बनेंगे थ्री सिलेबल वर्ड्स कौन से होते हैं जिसमें थ्री वोवल साउंड्स मौजूद हों सिलेबल में डिवाइड करने का तरीका क्या होता है कि हम एक वोवल साउंड के बाद उसको एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं जो उसका एक सिलेबल बनाता है वन सिलेबल यहां पे देखें एक वोवल साउंड है वन वोवल साउंड है तो ये वन सिलेबल होगा ठीक है इसी तरह यहां पे देखें टू वोवल साउंड मौजूद हैं खैर रट इसको हम टू वोवल साउंड में डिवाइड कर देंगे जो कि इसके सिलेबल्स होंगे इसके कितने सिलेबल्स बनेंगे टू इसके वन अब यहां पे देखें वन वोवल साउंड है इसको हमने इस यहां पे एक डिवाइड कर दिया अल पी एच ए फा बी ई टी बैट अब ये कितने सिलेबल्स में डिवाइड हो गया थ्री थ्री साउंड्स बनी और इसके थ्री सिलेबल्स बने अब यहां पे वन सिलेबल वर्ड्स टू सिलेबल वर्ड्स और थ्री सिलेबल वर्ड्स या मल्टी सिलेबल वर्ड्स दिए गए हैं इनको आपने प्रोनाउंस करना है और चेक करना है कि इनको कैसे डिवाइड किया गया है यहां पे देखें वन वन वोवल साउंड है इसलिए इसको वन सिलेबल वर्ड्स का नाम दिया गया है इसी तरह यहां भी देखें कैरेट टू वोवल साउंड्स हैं टू सिलेबल्स हैं फ्राइडे टू वोवल साउंड्स टू सिलेबल्स इसी तरह ये सारे वर्ड्स टू वोवल साउंड के हैं इसीलिए इनको टू सिलेबल वर्ड्स का नाम दिया गया है यहां पे मल्टी सिलेबल वर्ड्स हैं ब्यूटीफुल आप सोच रहे होंगे कि यहां पे थ्री वोवल लेटर्स हैं फिर भी इसको क्यों नहीं अलग अलग डिवाइड किया गया इसलिए कि यहाँ पे आप इसको प्रोनाउंस करते वक्त देखें कितनी वोवल साउंड आ रही है ब्यू यू की आ रही है सिर्फ ना ई की आ रही है ना ए की आ रही है सिर्फ यू की आ रही है तो आपने ये नहीं देखना कि इसमें वोवल लेटर्स कितने हैं आपने वोवल साउंड चेक करनी है यहाँ पे ब्यू यू की साउंड आ रही है इसको हमने एक पार्ट में डिवाइड कर दिया टी आई की साउंड आ रही है यहां पे हमने इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया फुल यहां पे यू की साउंड है यानी थ्री वोवल साउंड है इसलिए इसको थ्री सिलेबल्स में डिवाइड किया गया है इसी तरह आप ये सारे प्रोनाउंस करें अब यहां पे देखें सी टी जन थ्री वोवल साउंड्स थ्री सिलेबल्स प्रिंग सी फल यहां पे भी टी वोवल साउंड्स हैं और थ्री इसके सिलेबल्स बने इसी तरह एग री मेट यहां पे फिर डबल ई आ गया लेकिन साउंड तो एक ई की आ रही है ना इसीलिए इसको भी थ्री सिलेबल्स में डिवाइड किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेक डाउन द गिवन वर्ड्स इनटू सिलेबल्स आल्सो राइट द नंबर ऑफ सिलेबल्स अब यहां पे कुछ वर्ड दिए गए हैं वन टू और मल्टी सिलेबल्स के इसको आपने सिलेबल में डिवाइड भी करना है और आगे नंबर ऑफ सिलेबल्स भी लिखने हैं जहां भी एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर वर्ड दिया गया है बाउलिंग इसको उन्होंने पहले डिवाइड किया बाउलिंग ठीक है टू पार्ट्स में डिवाइड किया इसके सिलेबल में डिवाइड हुआ ये फिर आगे इसके नंबर ऑफ सिलेबल देखिए कितने सिलेबल बने हैं वन टू तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिलेबल इसी तरह आपने इन सब वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है और इनको सिलेबल में डिवाइड करने के बाद इनके आगे इनके नंबर ऑफ सिलेबल्स लिखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स यहाँ पे थ्री कॉलम्स बने हुए हैं वन सिलेबल वर्ड्स टू सिलेबल वर्ड्स एंड मल्टी सिलेबल वर्ड्स आपने यहाँ पे से इनको प्रोनाउंस करना है उसके बाद इनके अकॉर्डिंग इनके कॉलम से इनको पुट कर देना है नेक्स्ट टॉपिक इज राइमिंग वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं वर्ड्स दैट हैव द सेम लास्ट साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स
ऐसे वर्ड्स जिनकी एंड जो साउंड होती है वो सेम हो उनको राइमिंग वर्ड्स का नाम दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखें, कार, स्टार, इनकी एंड में ए आर आ रहा है, सेम साउंड है, तो ये दोनों क्या हैं? राइमिंग वर्ड्स। इस तरह प्ले, क्ले, ए वाई, सेम साउंड है, तो ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स। लेग, बैग, ई जी, दोनों की सेम साउंड है, तो ये क्या है? राइमिंग वर्ड्स हैं। रीड अलाउड द राइमिंग वर्ड्स विद द डिफरेंट लेटर साउंड्स गिवन बिलो। यहाँ पे ए ई आई ओ यू के राइमिंग वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने प्रोनाउंस करना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर टू इज मैच द वर्ड्स दैट राइम, मीन के जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आपस में आपने मैच करना है। जैसे फेयर, फेयर के साथ आप यहाँ पे देखिए कौन सा आ रहा है? नियर, इसको हमने मैच किया। इस तरह बाकी सब वर्ड्स को भी आपने प्रोनाउंस करना है, उनके राइमिंग वर्ड्स इनको मैच कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री इज मेक सम राइमिंग वर्ड्स विद द गिवन वंस। यहाँ पे एक एक वर्ड दिया गया है, उसके आगे उसने आपका उसका राइमिंग वर्ड लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिनोनिम्स। सिनोनिम्स किसको कहते हैं? ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग्स सेम हों, एक जैसे होंगे, उनको सिनोनिम्स कहा जाता है। जैसा कि आपने उर्दू में पढ़ा हुआ है, अल्फाज मुतरादिफ। मुतरादिफ क्या होते हैं? एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज को अल्फाज मुतरादिफ कहते हैं। इसी तरह अल्फाज मुतरादिफ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिनोनिम्स। आप यहाँ पे सेंटेंस पढ़ें, ही वॉज वेरी सैड। सैड का क्या मतलब होता है? गमगीन या अफसरदा। नीचे सेंटेंस पढ़ें, ही वॉज अपसेट, ही वॉज अनहैप्पी। अब देखें इन तीनों वर्ड्स के मीनिंग सेम हैं, तो सैड के अपसेट और अनहैप्पी सैड का सिनोनिम्स है। यहां पे कुछ सिनोनिम्स दिए गए हैं, जैसे हाउस, होम, रबिश, लिटर, अंडर, बिलो, सैड, अनहैप्पी। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। यहां पे वर्ड्स और आगे उनके सिनोनिम्स दिए गए हैं, ये आपने अच्छी तरह से लर्न करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंटोनिम्स। जिस तरह अभी आपने पढ़ा सिनोनिम्स होते हैं अल्फाज मुतरादिफ, यानी एक जैसे मीनिंग्स वाले वर्ड्स को सिनोनिम्स कहते हैं, और अपोजिट वर्ड मीनिंग वाले वर्ड्स को एंटोनिम्स कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस आप पढ़ें, द कॉफी वॉज वार्म, द कॉफी वॉज कोल्ड। अब वार्म और कोल्ड दोनों के डिफरेंट मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग है। ठीक है, और ये क्या है? ये एंटोनिम्स हैं। वार्म का मतलब होता है गर्म, कॉफी गर्म थी, और यहाँ पे द कॉफी वॉज कोल्ड, कॉफी ठंडी थी। यहाँ पे कुछ एंटोनिम्स दिए गए हैं, वार्म, कोल्ड, बिग, स्मॉल, फास्ट, स्लो। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एंटोनिम्स। यहाँ पे वर्ड्स और आगे उनके एंटोनिम्स दिए गए हैं, यानी उनके अल्फाज उलट दिए गए हैं, ये आपने अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने और लर्न करने हैं। क्वेश्चन है, सर्कल द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर ईच सिनोनिम्स। यहाँ से आपने हर वर्ड का, यहाँ जैसे काइंड, ग्लैड, फास्ट, इनके सिनोनिम्स नीचे दिए गए हैं, ये आपने डिक्शनरी से सर्च करने हैं, और जो सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स होंगे, यानी जो इसके सिनोनिम्स होंगे, उनको आपने सर्कल करना है। इसी तरह नीचे एंटोनिम्स दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड हैं उनके नीचे, इनके सारे नहीं, बीच में इनका, इनके एंटोनिम्स दिए गए हैं, ये आपने डिक्शनरी से सर्च करने हैं, और जो इसका अल्फाज उलट होगा या जो इसका एंटोनिम्स होगा उसको आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज नाउंस। नाउंस आर नेमिंग वर्ड्स, दे नेम पीपल, प्लेस, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। एवरीथिंग वी कैन सी इज अ नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़, जगह, जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। हम जो भी चीज़ देख सकते हैं वो क्या है? वो नाउन है। अब यहाँ पे देखें एग्जाम्पल में, पीपल, बॉय, गर्ल, मैन, ये सारे क्या हैं? नाउन हैं। इसी तरह प्लेसेस में मॉस्क, स्कूल, गार्डन, ये सारे भी नाउन हैं। एनिमल्स में कैट, टाइगर, मंकी, ये सारे भी नाउन हैं। थिंग्स में क्या है? वॉल, ट्री, फ्लावर। अब ये पेज पे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं ये सारे क्या हैं? नाउन्स। क्वेश्चन इज रीड द सेंटेंसेज बिलो एंड सर्कल द नाउन्स। यहाँ पे जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको आपने रीड आउट करना है, और इनमें जो नाउन्स हैं उनको आपने सर्कल करना है। क्वेश्चन नंबर टू, राइट टू सेंटेंसेज यूजिंग ईच ऑफ दीज नाउन्स। यहाँ पे पर्सन, यानी टू पर्सन के नेम लिखे आपने टू सेंटेंसेज बनाने हैं। प्लेसेज, यहाँ पे टू प्लेसेज के नेम लिखे, जगहों के नाम लिखे आपने सेंटेंसेज बनाने हैं। एनिमल्स, यहाँ पे कोई भी टू एनिमल्स ले लें उनके सेंटेंस बनाएं। और यहाँ पे थिंग्स, थिंग्स में तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं उनकी,
यहाँ पे आपने टू सेंटेंसेस बनाने हैं। नेक्स्ट है कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ एनी कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। ऐसा नाम जो हम किसी भी आम चीज जगह जानवर के लिए यूज कर सकते हैं उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ बॉय। अब बॉय तो किसी भी लड़के के लिए यूज हो सकता है ना, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। इसी तरह शी इज गोइंग टू स्कूल। स्कूल में कोई भी स्कूल हो सकता है, उसमें यहाँ पे उसका स्पेशल नेम नहीं दिया गया, तो ये क्या है? कॉमन नाउन। दे हैव टेकन माई कार। अब कार कोई भी हो सकती है, ठीक है, ये क्या है? कॉमन नाउन। बॉय, कार, स्कूल, ये सारे क्या हैं? कॉमन नाउन हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ स्पेशल पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ऐसा नाम जो हम जो किसी खास चीज जगह या जानवर का होगा वो उसका स्पेशल या प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन यहाँ पे आप देखें, ऊपर लिखा था ही इज अ बॉय, बॉय क्या था? कॉमन नाउन। यहाँ पे लिखा अहमद इज कमिंग टू माई हाउस, यहाँ पे बॉय इज कमिंग टू माई हाउस नहीं है, यहाँ पे अहमद, अब बॉय नहीं लिखा गया, उस बॉय का अपना स्पेशल नाम है वो लिखा गया है, तो ये क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा। शी इज रिसाइटिंग द कुरान, यहाँ पे बुक नहीं बल्कि कुरान लिखा गया है, तो कुरान एक स्पेशल किताब है, उसका अपना नाम है, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। इट इज मंडे टुडे, ठीक है, मंडे क्या है? एक दिन का अपना एक स्पेशल नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है। इट इज मंडे टुडे, ठीक है, तो मंडे, कुरान, अहमद, ये सारे क्या हैं? प्रॉपर नाउन। फाइंड एंड कलर द नाउन्स इन द वर्ड सर्च बिलो। यहां से आप नाउन को, प्रॉपर नाउन को रेड और कॉमन नाउन को येलो करेंगे। यहां से आपने नाउन्स को सर्च करना है और जो प्रॉपर नाउन होंगे उनको रेड कलर में और जो कॉमन नाउन होंगे उनको येलो कलर करना है। क्वेश्चन, लुक फॉर कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स इन द सेंटेंसेस बिलो, राइट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। यहां से आपने सेंटेंसेस को पढ़ के कॉमन नाउन्स यहां पे लिखने हैं और प्रॉपर नाउन को यहां पे लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जिनको हम आसानी से गिन सकते हैं उनको काउंटेबल नाउन्स कहते हैं, और जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनको अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें, एग्स, कप्स, केक्स, फ्लावर्स, बॉटल्स, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, तो इनको काउंटेबल नाउन्स कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह प्लेट्स, फ्लावर्स, चेयर्स, ये भी सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? यहाँ पे देखें, ब्रेड, वाटर, ग्लास, राइस, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते, तो इनको अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक सेंटेंसेज यूजिंग काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ऑफ योर चॉइस। यहाँ पर आप अपनी पसंद के काउंटेबल नाउन्स के, यानी जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उनके कोई भी चीज़ें लेके उनके सेंटेंसेज बना लें, और यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती उनमें से कुछ चीज़ें लेके उनके सेंटेंसेज यहाँ पे बना लें। नेक्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? ऐसा नाम जो जिसने सिर्फ एक शख्स की जगह जानवर का नाम होगा वो सिंगुलर नाउन होगा, जैसे बॉय, सिटी, बुक, इटीसी, ये क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं? जो एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम होंगे वो प्लूरल नाउन होंगे, जैसा कि यहाँ पे देखें, बुक्स, लायंस, फैंस, ये सारे क्या हैं? प्लूरल नाउन्स हैं। बुक, लायन, फैन, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर से प्लूरल में हम कैसे बनाते हैं? सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है? सिंगुलर नाउन के आगे हम सिंपली एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं, रूल्स टू फॉर्म प्लूरल्स, प्लूरल बनाने के कुछ रूल्स यहाँ पे बनाएंगे। व्हेन अ नाउन एंड्स इन अ वोवल प्लस वाई, जब कोई नाउन वोवल लेटर के साथ वाई में एंड होगा तो उसके साथ हम एस एड कर देंगे प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप सारे आप देख सकते हैं वोवल है, साथ वाई है, इसी तरह वोवल ए साथ वाई, वोवल ई साथ वाई, वोवल यू साथ वाई, तो इसके साथ हमने सिंपली एस ऐड करके इसको प्लूरल बना दिया। इसी तरह व्हेन अ नाउन एंड्स इन एस एच सी एच एक्स और जी वी एड्स ई एस टू द नाउन्स, जब वर्ड्स के एंड में एस एच सी एच ये सारे आएंगे तो उनके साथ हम
ई एस लगा के उनको प्लूरल बनाएंगे। इसी तरह थर्ड रूल है, इफ अ नाउन एंड्स इन अ कंसोनेंट प्लस ओ, वी नॉर्मली एड्स ई एस टू द नाउन्स। ठीक है, इनके अलावा जब कोई वर्ड कंसोनेंट के साथ ओ में एंड होगा तो वो भी ई एस से प्लूरल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखें, ये सारे कंसोनेंट के साथ ओ में एंड हो रही हैं, टी कंसोनेंट है साथ ओ है, इसी तरह टी कंसोनेंट है साथ ओ है, इसी तरह एच कंसोनेंट साथ ओ, आर कंसोनेंट साथ ओ, तो इनके साथ भी सबके साथ ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनके साथ कंसोनेंट और ओ आएगा उनको भी हम ई एस लगा के प्लूरल बनाएंगे। सम नाउन्स डू नॉट फॉलो दीज रूल्स, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होते उनको प्लूरल बनाने के लिए, बल्कि उनकी साउंड चेंज हो जाती है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, मैन मैन, मैन सिंगल है और ये प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल एक ज्यादा, वुमेन वुमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन, फूट फीट, टूथ टीथ, गूज गीज, माउस माइस। ठीक है, ये सारे प्लूरल सिंगुलर प्लूरल आप अच्छी तरह से लर्न करने हैं। रूल नंबर 5 है, सम नाउन्स हैव द सेम स्पेलिंग इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में सेम स्पेलिंग्स होते हैं, उनके स्पेलिंग चेंज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल फिश फिश, शीप शीप, डियर डियर, मूस मूस, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट। अब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में सेम स्पेलिंग्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आ रहा सिंगुलर प्लूरल में। मेक प्लूरल ऑफ दीज वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपने ये जितने भी रूल्स पड़े इनको फॉलो करते हुए इनको आपने प्लूरल में चेंज करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज जेंडर, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। अ नाउन दैट नेम्स अ मेल बिलोंग्स टू मस्कुलिन जेंडर, फॉर एग्जाम्पल मैन बॉय किंग एक्सेट्रा। ऐसा नाउन जो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है उसे मस्कुलिन जेंडर कहा जाता है, जैसे मैन बॉय किंग। फेमिनिन जेंडर क्या होता है, अ नाउन दैट नेम्स अ फीमेल बिलोंग्स टू फेमिनाइन जेंडर, फॉर एग्जाम्पल गर्ल वुमेन क्वीन नीस। ऐसा नाउन जो किसी मोनस के लिए इस्तेमाल होता है उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल गर्ल वुमेन क्वीन नीस, कॉमन जेंडर। सम नाउन्स मे बी मस्कुलिन और फेमिनिन, एग्जाम्पल बेबी चाइल्ड बर्ड स्टूडेंट फ्रेंड एट्सेट्रा। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं, उन्हें कॉमन जेंडर कहा जाता है, जैसे बेबी चाइल्ड बर्ड, इसमें जिक्र भी आ सकता है मोनिस भी आ सकता है, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों आ सकते हैं। न्यूट्रल जेंडर कौन से होते हैं, न्यूट्रल जेंडर रेफर्स टू द नाउन दैट नेम नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे जेंडर जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होते हैं उन्हें न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है, फॉर एग्जाम्पल बुक पेन टेबल, ये सारे क्या हैं, ये न्यूट्रल जेंडर हैं। यहाँ पे कुछ मस्कुलिन फेमिनिन दिए गए हैं, बॉय गर्ल ग्रूम ब्राइड, सारे ये हमने अच्छी तरह से प्रोनाउंस करने और लर्न करने हैं। अच्छा, कुछ एनिमल्स के ऐसे नेम होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होते हैं, हालांकि उनके स्पेशल अपने मस्कुलिन और फेमिनिन नाउन अलहदा से होते हैं। यहाँ पे कुछ नेम्स दिए गए हैं, रैबिट, अब रैबिट दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, लेकिन इसका जो मस्कुलिन है वो क्या है, बक फेमिनिन डॉग, हॉर्स स्टेलियन मेल। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स दिए गए हैं और यहाँ पे उनके ये कॉमन नाउन के तौर पर यूज़ हो रहे हैं और यहाँ पे इनके मस्कुलिन और फेमिनिन दिए गए हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट जेंडर ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं और जो वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं उनके जेंडर को आपने चेंज करके आपने इसको इसी सेंटेंस को रीराइट करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं, आ एन द, जो कि सिंगुलर नाउन के साथ यूज होते हैं, आ ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है जो कि कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होता है। एन कहाँ भी यूज़ होता है, ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होगा, ठीक है। आ और एन ऐसे सिंगुलर, आ और एन कहाँ पे यूज होंगे, सिंगुलर नाउन के साथ यूज होंगे। आ कौन से सिंगुलर के साथ यूज होगा, जो कि कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि एन ऐसे सिंगुलर नाउन के साथ ऐड होगा जो कि वोवल साउंड से स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं कि दा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, वी यूज़ द बिफोर अ नाउन व्हेन वी रिपीट इट, जब हम किसी नाउन को रिपीट करते हैं तो उसके साथ दा यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आई सॉ अ वेंडर इन द स्ट्रीट, द वेंडर वॉज सेलिंग आइसक्रीम. अब यहाँ पे वेंडर का दोबारा नाम रिपीट हो रहा है तो हमने इसके साथ द यूज कर लिया. वी ऑल्सो यूज द वी यूज द बिफोर नाउन्स व्हेन द लिसनर नोज विच थिंग आर वी टॉकिंग अबाउट. ऐसे नाउन के साथ भी द यूज होता है जिसके बारे में लिसनर को पहले से पता होता है. एग्जाम्पल्स, प्लीज शट द डोर. ठीक है, अब डोर के बारे में लिसनर को पता है इसलिए इसके साथ द यूज हुआ. आई एम गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस. ठीक है, द लिसनर नोज विच कि कौन से पोस्ट ऑफिस जा रहा है उसको पता है तो इसके साथ हमने द यूज कर लिया. इस तरह वी आल्सो यूज द बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, होली बुक्स, डेजर्ट्स, होटल्स, न्यूज़ पेपर्स. इसके अलावा द कहाँ कहाँ भी यूज़ होता है, इन सब के साथ, रिवर्स के साथ, नेम ऑफ रिवर्स, सीज, ओशंस, माउंटेन्स, होली बुक्स, डेजर्ट्स, होटल्स एंड न्यूज़ पेपर एट्सेट्रा. वी यूज द वेन वी नो देर इज ओनली वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, एग्जाम्पल द सन, द वर्ल्ड, द अर्थ. और ऐसी चीज़ों के साथ भी लगता है जो कि हम पता है कि ये दुनिया में सिर्फ वाहिद है, सिंगुलर है, सिंगल चीज़ है पूरी दुनिया में, तो उसके साथ भी द यूज़ होता है. अब यहाँ पे राइट द करेक्ट आर्टिकल्स इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स दी गई हैं, इनको आपने रूल्स को फॉलो करते हुए इनके साथ आर्टिकल्स ऐड करने हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज प्रपोजिशन. प्रपोजिशन वर्ड्स कौन से होते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हम किसी हमें किसी चीज़ की पोजिशन के बारे में बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को प्रपोजिशन कहा जाता है. यहाँ पे सेंटेंसेस रीड आउट करें. बिहाइंड द बॉक्स, अब ये हमें इसकी पोजीशन बता रहा है. बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, फ्रंट, इन फ्रंट, बिहाइंड, बिटवीन, ओवर, इन, ऑन, अंडर, बिसाइड, ये सारे क्या हैं, ये हैं प्रपोजिशन वर्ड्स. लुक एट द पिक्चर बिलो. यहाँ इस पिक्चर को गौर से देखें. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रपोजिशन गिवन बिलो. यहाँ पे प्रपोजिशंस डिफरेंस दी गई है, इनको आपने यहाँ पे इस पिक्चर को देखते हुए इन सेंटेंसेस को आपने कंप्लीट करना है, ब्लैंक्स को फिल करके यहाँ से इस पिक्चर को देख के यहाँ पे आपने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रपोजिशंस ऐड करने हैं. द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी शख्स, चीज, जगह या जानवर की खसूसियात बताए. ठीक है, उसकी क्वालिटी बताए, उसके बारे में, उसका कलर, साइज, शेप, ये सारी चीज़ों के बारे में बताए, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स. यानी एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है. ऐसे वर्ड जो किसी नाउन को डिस्क्राइब करें उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं. अब यहाँ पे ये सेंटेंसेस रीड आउट करें. द ब्लू कार इज माइन. कार के बारे में बता रहे हैं कि कौन से कलर की है, ब्लू, तो ब्लू क्या है, एडजेक्टिव. द वर्कर्स कट ऑल द टॉल ट्रीज. ट्रीज की क्या कैसे डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे, उनका बताया गया कि ये टॉल है, तो टॉल क्या हो गया, एडजेक्टिव. आई बॉट अ स्केयर बॉक्स टू पैक दिस गिफ्ट. बॉक्स के बारे में उसकी क्या क्वालिटी बताई गई है, कि वो स्केयर है. देर आर मैनी विजिटर्स एट द एग्जीबिशन. विजिटर्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, मैनी. योर ट्रक वॉज गिविंग अ लाउड साउंड. साउंड की क्या क्वालिटी बताई गई है, यहाँ वो बहुत लाउड है. द पिज्ज़ा वॉज वेरी साल्टी. पिज्जे की क्या यहाँ पे क्वालिटी तय की है, वो साल्टी है. अब ये जो सारे बोल्ड वर्ड्स लिखे गए हैं, ये सारे क्या हैं, ये इन नाउन्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो इनको एडजेक्टिव का नाम दिया गया है. यहाँ पे मजीद एग्जांपल्स दी गई हैं, अ ब्लू शर्ट, अ स्मॉल कैट, एन ओवल एग, 9 येलो बीन्स, जेली बीन्स, अ टेस्टी केक, अ नॉइजी स्पीकर. अच्छा, एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, कलर के, साइज के, शेप के, नंबर, साउंड और टेस्ट. ठीक है, एडजेक्टिव्स की काइंड्स होती हैं, कितनी काइंड्स होती हैं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव अ क्वालिटी, जिसमें क्वालिटी बताई जाती है किसी भी नाउन की. एडजेक्टिव अ क्वांटिटी, जिसमें नाउन्स की क्वांटिटी यानी उनकी तादाद बताई जाती है. एडजेक्टिव अ कलर, इसमें नाउन्स का कलर बताया जाता है. एडजेक्टिव अ साइज, के साइज को डिस्कस किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वर्ड्स विच डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज दिए गए हैं, हैवी, फेयर, ब्राइट, लाइट, पुअर, वेट, गुड, रिच, ड्राई, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज दिए. एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टिटी नेक्स्ट है. ठीक है,
Words which describe the quantity of words, nouns or pronouns are called adjectives of quantity. Adjective of quantity में क्या बताया जाता है, उसकी तादाद के बारे में बताया जाता है, मकदार के बारे में बताया जाता है. यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव और क्वांटिटी बताए गए हैं, enough, many, half, any, three, much, all, some, whole. ठीक है, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. द नेक्स्ट काइंड है, नेक्स्ट काइंड एडजेक्टिव ऑफ कलर. वर्ड्स विच डिस्क्राइब द कलर ऑफ नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ कलर. इसके नाम से ही जाहिर है कि ये इसमें नाउन्स के कलर के को डिस्कस किया जाता है, तो ऐसे एडजेक्टिव को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ कलर. यहाँ पे कुछ दिए गए हैं एडजेक्टिव ऑफ कलर्स, वाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड, ऑरेंज, ग्रे, येलो, पिंक, पर्पल. ठीक है, कलर्स नेम जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ कलर. फोर्थ काइंड है एडजेक्टिव ऑफ साइज. वर्ड्स विच डिस्क्राइब द साइज ऑफ नाउन प्रोनाउन और कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ साइज. इसमें नाउन्स के साइज को डिस्क्राइब किया जाता है. यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव ऑफ साइज दिए गए हैं, बिग, लार्ज, स्मॉल, ह्यूज, शॉर्ट, टिनी, टाइनी, टॉल, मीडियम, हाई. ठीक है, ये सारे क्या हैं, एडजेक्टिव ऑफ साइज. क्वेश्चन इज रीअरेंज द जंबल वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. ये वर्ड्स जंबल फॉर्म में लिखेंगे, इनको आपने सही अरेंज करके यहाँ पे लिखना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. इन पिक्चर्स को देखते हुए इन सेंटेंसेस को रीड आउट करना है, और यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग जो इनको आपको करेक्ट लगे उसको आपने सर्कल करना है. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस टॉपिक्स वेरी वेल. थैंक यू. फी अमानिल्ला.